रांची से, जहां कुछ देर कबल गवर्नर सिंध सईद ज़मान सिद्दीकी के तबीयत खराबी के बायस उन्हें साउथ सिटी हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया। आपको बताएं कि सईद ज़मान सिद्दीकी को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। गवर्नर सिंध की तबीयत में अब बेहतरी है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि एहतियातन एक दिन अस्पताल में रखा जाएगा। इसी पर बात करेंगे 24 न्यूज के नुमाइंदे आसिफ महमूद से। आसिफ महमूद, बताइएगा क्या अपडेट है आपके पास? सईद ज़मान सिद्दीकी गवर्नर सिंध, उनको अब से कुछ देर कबल कराची क्लफ्टन के इलाके साउथ सिटी में अस्पताल में एडमिट किया गया है। डॉक्टर तारिक जावेद जो हैं, क्योंकि इनका ट्रीटमेंट पहले से कर रहे हैं, डॉक्टर तारिक जावेद से हमारी बात हुई। उनका ये कहना था कि गवर्नर सिंध जस्टिस रिटायर्ड सईद ज़मान सिद्दीकी दमे के मर्ज में मुब्तला है और उन्हें सांस लेने में मुश्किल हो रही थी, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया और अस्पताल लाने के बाद उन्हें ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन मास्क लगाया गया है और उन्हें ICU में एडमिट कर दिया गया है। जो अस्पताल इंतजामिया है, अस्पताल जरा है, उनका कहना है कि चीफ साबिक चीफ जस्टिस और गवर्नर सिंह जो है वो रह सकते हैं 2 से 3 दिन अस्पताल में, लेकिन जो स्क्वाड है गवर्नर हाउस का तमाम अमला जो है उसे वापस भिजवा दिया गया है। इस वक्त जो सईद ज़मान सिद्दीकी हैं गवर्नर सिंह उनके हमरा मिलिट्री सेक्रेटरी और ADC जो है सिर्फ वो मौजूद है, बाकी तमाम अमले को वापस जाने की हदायत कर दी गई है। जी जी, शुक्रिया आसिफ महमूद।